हाय फ्रेंड्स, मु तपन आपण स्वागत करुच्ची ओडिशा स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को। तो आज आम डिस्कशन करवा फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड लाइफस्टॉक इंस्पेक्टर ओएसएफए आईआरबी आरआईएआरआई ओमिन एसएफएस और आईसीडी सुपरवाइजर पर इंग्लीश गोटे मॉक टेस्ट। तो एथेरे टोटल क्वेश्चन रही 20 तो सब बेसिक क्वेश्चन रही समस्त ट्राए करेंगे 20 ठीक करने ठीक अच्छे। तो जो मैंने इंग्लीश विक अच्छा मुझे इंग्लीश में जहाँ भी वीडियो अपलोड करुच्चे आपब वीडियो कम्प्लीट देखु। तो परीक्षा सेवा बेल को आपण मैंने इंग्लीश में बहुत स्ट्रंग बनी जाइए जहाँफल कि परीक्षा भल स्कोर आनी पारे। तो लेट करें चलतु क्लास स्टार्ट करवा। तो देखो आज प्रथम मोटिवेशनल थॉट रही करण कुमार तरफ से लिखिंट सफलता पाई सारापर कहीं पचारे ना के विफल होता बोली तेणु विफलता को भाभी हारी पड़ो ना परिश्रम कर चल दिन ना दिन निश्चय सफलता आस। तो करण बहुत बढ़िया कथा लिखिंट देखु सफलता पाई सारापर कहीं पचारे ना केतर विफल होता बोली देखो आपण मैंने जिते बड़े सफलता पाई सक्सेस पाई तो से आई पचारे ना कि आपतर फेलियर होते फेल होते तेणु विफलता को भाभी हारी पड़ो ना से आपण मैंने विफलता को भाविक के हारी पड़ू ना परिश्रम कर चलतु आज ना कल सफलता निश्चित पाइबे। ओके मोटिवेशनल थॉट रही मानस कुमार तरफ से लिखिंट बीती जा दिन को नहीं भाविवा अपेक्षा जो समय हाथ में अच्छे से ही समय परिश्रम कर आसंता दिन को सुंदर बनई दिंतु। तो देखो आपण मान लाइफ जहाँ भी घटी जाइए भूली जातु ठीक अच्छे। आपण मैंने एबेठ स्टार्ट करूँ वर्तमान मुहूर्त स्टार्ट करूँ ठीक अच्छे। तो आपण मैंने एबेठ जदि प्रिपेरेसन स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आग को सफलता पाई ठीक अच्छे। तो आपण मान जो मैंने मोटिवेशनल थॉट जानते वीडियो कमेंट बॉक्स को जातु आ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिंतु नेक्स्ट वीडियो आपण मान मोटिवेशनल थॉट आने ट्राए करी। तो आज प्रथम क्वेश्चन कौन रही आई सो दैट some of the tables had been pushed into a corner the above sentence is this to jo sentence ta roi ji eta ote simple sentence na compound complex na wrong sentence bada question roi ji to dekhantu apan mane copy of pen nei ki basantu ek number 2 number emiti 20 porjanto likhi diantu jo ta apan mankar thik hobo thik maribe jo ta bhul hobo bhul maribe last re apan mane calculation kariki comment box re janaibe thik achi। तो ये सेंटेन्सटा कौ सेंटेन्स पचार देखु एनसर कौन हम ना यहाँ हूँ गोटे कम्प्लेक्स सेंटेन्स। तो कम्प्लेक्स सेंटेन्स केमी जाना ना देखो ये जो रही आई सो यार मीनिंग कौन आखिली तो यहाँ हूँ गोटे मेन क्लज यहाँ हूँ गोटे मेन क्लज ठीक अच्छे मुझे लिखिदे मेन क्लज तापर दैट पाखर ए कर्नर पर्यंत ये गोटे सबर्डिनेट क्लोज ठीक अच्छे। तो आपण मैंने कम्प्लेक्स सेंटेन्स डेफिनेशन लिखिपर नोट कर ठीक अच्छे। तो जार गोटे मेन क्लोज थी मेन क्लोज एंड वन और मोर कौन थी ना सबर्डिनेट क्लोज थी ठीक अच्छे सबर्डिनेट क्लोज थी ओके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये देखो आई सो ये मेन क्लोज दैट पाखर कर्नर पर्यंत ये सबर्डिनेट क्लोज आई सो यहाँ एका स्टैंड हो पारे यार एका मीनिंग अच्छे किंतु ये दैट पाखर कर्नर पर्यंत यार एका किसी मीनिंग ना जब आई सो को मुझे उठेदेवी दैट पाखर कर्नर पर्यंत यार सेमती किसी स्पेसिफिक मीनिंग ना ठीक अच्छे। तो दैट पाखर कर्नर पर्यंत ये आई सो ऊपर डिपेंड कै ठीक अच्छे। तो से गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंपल सेंटेंस क्या कह जाए आप नोट करेंगे नोट कर ठीक अच्छे। तो सिंपल सेंटेंस क्या कह जाए ना वन क्लॉज दैट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ ठीक अच्छे गोटे क्लॉज थी से निजे स्टैंड हो पार मैंने सेंटेंस रो मीनिंग दे पार तो गोटे एग्जांपल दे दूसरी आप क्लियर बुझीजे ठीक अच्छे। एग्जाम्पल गोटे देद एग्जाम्पल कौन हो पार ना चिल्ड्रेन लाइक
स्वीट्स ठीक अच्छे तो एर गोटे मात्र क्लोज अच्छी चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स पिलाने मीठा भल पाती ठीक अच्छे तो ये जो क्लोजा ये निजे स्टाण हो पार निजे यार मिनिंग दे पार ठीक अच्छे तो से गोटे सिंपल सेन्टेन्स आ गोटे रही गल कंपाउंड सेन्टेन्स जाणिने ठीक अच्छे कंपाउंड कंपाउंड डेफिनेशन टी आप लिखी निपर नेक्स्ट क्वेश्चन को जी ठीक अच्छे ना टू और मोर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लोज क्लोजेस लिखी दूसरी ठीक अच्छे आर जॉइंट बाय कंजक्शन जॉइंट बाय कंजक्शन ठीक अच्छे कौन कौन कंजक्शन थी ना जमी एंड होगा और होगा आउ कौन पार बाट होगा ठीक अच्छे तो गोटे एग्जाम्पल दे दूसरी आपने क्लीयर बुझीजे तुम जगह नहीं मुझे लिखी दूसरी ठीक अच्छे कंपाउंड एग्जाम्पल कौन हो द पोस्टमैन पोस्टमैन केम आसला पोस्टमैन आसला एवं कौन कला ना एंड डेलीवर्ड द लेटर डेलीवर्ड द लेटर ओके तो देखु ये जो एंड द्वारा जोड़ी ये गोटे कंजक्शन द पोस्टमैन केम पोस्टमैन आसला एवं कौन कला डेलीवर्ड द लेटर लेटर डेलीवर कला तो ये एंड द्वारा जोड़ी कंजक्शन द्वारा जोड़ी तो ये गोटे कंपाउंड सेन्टेन्स सिंपल सेन्टेन्स बुझीपारे आ कम्प्लेक्स बुझीपारे ठीक अच्छे एक नंबर सी जो राइट आंसर तापर जीवा नेक्स्ट को दो नंबर कौन रही आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू डेस आई मस्ट डू इट नाउ अच्छा टू एंड बट अदरवाइज कौन बस आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू मो पाखे बहुत कम रही ठीक अच्छे करने रही डेस आई मस्ट डू इट नाउ तो बर्तमान मुझे यहाँ करी सेठ कौन बस टू ये तेणु बस ठीक अच्छे तो सु बसई थे मिनिंग चेक करूँ आई हाव ए लट अफ वर्क टू डू मो पाखे बहुत कम करने रही टू आई मस्ट डू इट नाउ तेणु बर्तमान मुझे यहाँ करी ठीक अच्छे तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हम एंड बट अदरवाइज ये किसी बस ना ओके तीन नंबर कौन रही ही ट्राइड हार्ड डेस ही डिड नॉट सक्सीड से हार्ड ट्राइ कला किंतु से सक्सेस पाइलानी मुझे आंसर कहीदेले कौन कह वोट बस ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर गोटे पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गोटे नेगेटिव स्टेटमेंट को बट ही कनेक्ट करे ठीक अच्छे ही ट्राइड हार्ड से हार्ड ट्राइ कला किंतु से सक्सेस पाइला ना गोटे नेगेटिव सेंटेंस ये बट बस ओके तो जो मैंने जानते वीडियो को दुई मिनिट स्किप करके पल जातु तो देखु फरेस्टर फरेस्ट गार्ड और लाइफस्टाइल इन्स्पेक्टर पर टेलीग्राम आमर गोटे पेड ग्रुप रही तो जो मैंने जॉइन होने पर इंटरेस्टेड अच्छा जॉइन हो पारे एपण मूँ डेली सब सब्जेक्ट रु षाठी क्वेश्चन प्राक्ट करने मिली जमीक जिके दस ओडिया दस मैथ दस इंग्लीश दस कंप्यूटर दस और सैंस दस टी या सहित दस टी फुल मॉक टेस्ट सहित तार सल्यूशन मिल जाव तो फुल मॉक टेस्ट देखे आपर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ आपण मैंने 150 मार्क रु के मार्क रखुच्छे जापर से अनुसार प्रिपेरेसन करेंगे तो ये जॉइन होने प्राइस रही ओल्ड स्टूडेंट मानक 45 तो ओल्ड स्टूडेंट कौन मैंने जो मैंने आगर आम टेलीग्राम जोसी पेड ग्रुप जॉइन होते हैं 45 टाँग पे करेंगे आज जो मैंने न्यू स्टूडेंट से 55 टाँग पे करेंगे ये जो नंबर टी रही नंबर आप फोन पे ना गूगल पे रे पेमेंट करदे नेम आस तपन कुमार बेहरा पेमेंट कर सारापर तार स्क्रीनशॉट आपने नंबर व्हाट्सएप रही पठाईदे स्क्रीनशॉट पठाई सारापर मुझे ग्रुप में जॉइन करदेवि तो जो मैंने एग्जाम पर सीरीयसली प्रिपेरेसन करते जल्दी जल्दी जॉइन हो जातु तो से ग्रुप में जॉइन होगापर आपण स्टडी मटेरियाल मिलशा जिके 400 अधिक सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल सैंस 800 जिके 500 कंप्यूटर 300 प्लस करेंट अफेयर मिल जाव जुलाई पाखु फेब्रुआरी पर्यंत ठीक अच्छे यह सब आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाव तो देखो टेलीग्राम एमती ग्रुप रही एमती क्वेश्चन आसो ऑप्शन रही जो ऑप्शन आपण ठीक लगे आपत क्लिक करेंगे सांगे सांगे जना पड़े सही भूल कि ठीक तो ये उपर जो ग्रुप नेम लिखाई से क्लिक करेंगे एमती पेज आसोटी जो फाइल्स लिखाई से क्लिक करेंगे ये सब स्टडी मटेरियल सहित फुल मॉक टेस्ट रही है आपने डाउनलोड करके प्रिपेरेशन करेंगे।
तापर चार नंबर कौन रही टू गिव एडवाइस इज इजी आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट अच्छा ये सेंटेंस रे प्रेडिकेट कौन पचार देखो गोटे सेंटेन्स दुईट पार्ट रही था गोटे सब्जेक्ट पार्ट आ गए प्रेडिकेट पार्ट ठीक अच्छे तो ये प्रेडिकेट कौन पचार आंसर कौन हो ना इज इजी ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी हूँ राइट आंसर टू गिव एडवाइस इज इजी इज इजी हूँ प्रेडिकेट टू गिव एडवाइस ए सब्जेक्ट पार्ट हो इज इजी हूँ प्रेडिकेट पार्ट ठीक अच्छे तापर जीवा नेक्स्ट ए कप ऑफ सुगर इज सफिशिएंट फॉर करी अच्छा आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ए सेंटेंस रे सब्जेक्ट कोनटा पचारिछ सब्जेक्ट कोनटा हि जीवो ए कप ऑफ सुगर एटा हि जीवो सब्जेक्ट इज पाखरु इज सफिशिएंट फॉर करी होची प्रेडिकेट ठीक अछि ए कप ऑफ सुगर ऑप्शन नंबर डी होची राइट आंसर ओके तापर द बॉय डेस फादर इज डेड नीड्स आवर हेल्प एटी कौन बस हुईज व्हाट हु जाऊ ऑफ हुईज देखो द बॉय डेस फादर इज डेड नीड्स आवर हेल्प देखो तो ये कौन बस ना ये द बॉय पाई ये हुज बस कहार फादर मरीगले ना द बॉय यही बाड़कर तो यही बॉय पाई ये हुज बस कहार सेन्स आसा तो ये द बॉय पाई हुज आस ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर ठीक अच्छे तापरे माय फादर नॉर्मली रीड्स द न्यूज़पेपर व्हाइल ईटिंग डिश अच्छा माय फादर नॉर्मली रीड्स द न्यूज़पेपर व्हाइल ईटिंग डिश तो ये कौन बसिबो ब्रेकफास्ट रो कौन फॉर्मेट बसिबो ठीक अच्छे माय फादर नॉर्मली रीड्स द न्यूज़पेपर मो बापा नॉर्मली न्यूज़पेपर पढ़ती केते बेले ना जते बेले ब्रेकफास्ट खांती तो इठी आंसर कौन हो ए ब्रेकफास्ट गोटे ब्रेकफास्ट सेमती किसी नुह दा ब्रेकफास्ट डेफिनेट करूनी कि से ब्रेकफास्ट कथा ब्रेकफास्ट हुए नहीं ब्रेकफास्ट हम ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर तापर सी वर्क सिक्स डेज डैश वीक अच्छा सेंटेंस रो मीनिंग को थरे बुझंतु आ आंसर बाहर करिया पे ट्राई करंतु सी वर्क सिक्स डेज से 6 दिन काम करे डैश वीक तो ये कौन बसव पर विक् पर रिजिन शो करनी काटिद विक् नुह ये डेफिनेट कर डेफिनेट आर्टिकल बसइबानी इन विक् इन तो भितर सेन्स आसे ठीक अच्छे इन द क्लासरूम इन द प्ले ग्राउंड तो ये बस गोटे अप्सन रही ए वर्क सिक्स डेज ए विक् तो गोटे सप्ताह से 6 दिन कम कै गोटे सेन्स आम ए बसई पार ओके समस्त प्राय 8 रु 7 तो ठीक है चलते कहीं सब बेसिक क्वेश्चन रही ओके She will live less than him. अच्छा ये गोटे बढ़िया कनसेप्ट क्वेश्चन ए कनसेप्ट क्वेश्चन मुझे आगर कही ओके तो ये कौन बसव देखो ये कंपेरेटिव डिग्री बस देन तो देनटा कंपेरेटिव डिग्री बसे तो कंपेरेटिव डिग्री ये लंग रोटा हम लंगर ही हम लंगर लार्जर लंगेस्ट अच्छे ना तो आंसर कौन हम लंगर हम ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर She will live longer than him. ओके लार्जर बस लंगर हम ओके लंगेस्ट ये सुपर रिलेटिव किसी दरकार ना लंग भी हम ओके नेक्स्ट इज द डेस्क बॉय इन हिज क्लास तो देखु ये कौन बस ये आर्टिकल जो दी बस आर्टिकल दी सहित सुपर रिलेटिव बसे ठीक अच्छे सुपर रिलेटिव सहित आर्टिकल दी बसे तो ये सुपर रिलेटिव डिग्री खोजु ओल्डेस्ट अच्छी ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट एटा कंपेरेटिव डिग्री तो ओल्डेस्ट हूँ सुपर रिलेटिव ये सुपर रिलेटिव केमी बस जानली ना सुपर रिलेटिव पूर्व आर्टिकल दी सब बसे ठीक अच्छे तो ये ओल्डेस्ट ही हम ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर तापर ही हेज ऑलवेज बीन डैश वेरी गुड बॉय अच्छा ही हेज ऑलवेज बीन डैश वेरी गुड बॉय ए एन दी एटा मध्ये आर्टिकल रो क्वेश्चन रही कौन बस सेंटेंस रो मीनिंग को थरे बुझे पे ट्राई करन ठीक अछि ए सब बेले गुटिए भलो बॉय माने गुड बॉय हेय आछि ओके तो एठी कोन बसिबो गुटिए सेंस रे हम बसई परबा एठी एन तो बसिबोनी काहे न कि भावल सेंस आसुनी डेफिनेट करूनी तो आर्टिकल ए बसई परबा गुटिए सेंस रे आर्टिकल ए बसई कि जिबा ही हैज ऑलवेज बीन ए वेरी गुड बॉय
से सब बेले गोटे भल बॉय हे आस ओके तापर आई हैव बीन वेटिंग फॉर डेज लॉन्ग टाइम एटा भी से आर्टिकल रो क्वेश्चन तो एटी कोन बसिबो आई हैव बीन वेटिंग फॉर डेज लॉन्ग टाइम तो एटी भी से गुटिया सेंस आछि तो ए बसे के जीवा एन बसे बानी कहेंगे ना के ठीक छि भावेल नहीं आर्टिकल दी भी बसे बानी एटा जे डेफिनेट आर्टिकल तो एटी डेफिनेट करूनी डेफिनेट आर्टिकल बसे बानी ए बसे के जीवा आई हैव बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम तो मु गुटे बहुत लॉन्ग टाइम हला वेट करि आछि ओके तो देखु जमी फरेस्टर फरेस्ट गार्ड और लाइफ स्टक इन्सपेक्टर पर टेलीग्राम पेड ग्रुप रही सेमती आर आई आर अमीन टेलीग्राम पेड ग्रुप रही तो एम डेली सब सब्जेक्ट रू 50 क्वेश्चन प्राक्टिस मिल जाए सहित 10 फुल मॉक टेस्ट सहित तरह सल्यूशन मिल जाए तो प्राइस रही है ओल्ड स्टूडेंट मैं 55 न्यू स्टूडेंट मैं 65 तो सेम प्रोसेस रही है ये जो नंबर टी रही है ये नंबर में पेमेंट करके व्हाट्सअप कि टेलीग्राम स्क्रीनशॉट देदे तापर गोटे नुआ टाइप क्वेश्चन रही है एमती क्वेश्चन मुझे आगुरी सल्व कई ना तो आई रे डेज यू कम फ्रम होम टू आई रे फ्रम राउरकेला ठीक अच्छे तो देखो ये कौन बस तो ये जो राउरकेला रही गोटे प्लेस को बुझाऊँ ना राउरकेला तो ये प्लेस कौन बसे हाउ बसे ना हुईज नुहे हुआई नुहे हुईआर बस ठीक अच्छे कौन ठारे तो ये हुईआर बसिक मिनिंग चेक कर Where do you come from? तुम्हें कौन ठार आसीच तो कह फ्रम राउरकेला ठीक अच्छे तो प्लेस ये हुईआर बस ओके सेमती क्वेश्चन रही 14 नंबर आई रे डेस डीड यू गो टू पुरी टू आई रे टू इयर्स एगु अच्छा ये कौन बस कम जाना नहीं टू आई रे जो टू इयर्स एगु तो गोटे टाइम को बुझाऊँ ना टाइम पर कौन बसे हुए नहीं बसे हुआई मैंने कहीं हुईआर प्लेस बसे आउ किपरी तो ये टाइम कथ कौन टाइम पर हुए नहीं बसे केत ठीक अच्छे तो ये हुए बसे दूसरे मिनिंग चेक करूँ व्वेन डीड यू गो टू पुरी तुम्हें केवे पुरी जा ठीक अच्छे टू इयर्स एगु से कहते दुई वर्ष आगर ओके तो टाइम परुएन बसइले लुक एट द क्लाउड्स इट डैश तो ये गोटे बहुत बढ़िया मैंने कनसेप्ट क्वेश्चन रही है लुक एट द क्लाउड्स ठीक अच्छे मेघ को देख इट डैश तो ये कौन बस 15 नंबर आंसर कौन हो ना देखु ये कौन बस बिग विंग टू बस बिग विंग टू बिग विंग टू के बड़े बसे ना जिते बड़े आम प्रेजेन्ट सिचुएसन को देखिकी फ्यूचर विषय किसी कहूँगा तो ये हूँ स्काय धरजा मुझे करदे ओके तो आम बर्तमान देखुचे जे मैंने मेघटा उठी ठीक अच्छे तो हो पारे नई पारे तो आकाश को आम बर्तमान देखुचे तो देखिक फ्यूचर कथा कहचे तो प्रेजेन्ट सिचुएसन को देखिकी जब आम फ्यूचर कथा कहते बिग विंग टू बसे ओके बुझीपारे बिग विंग टू कौटी बसे तो ये बिग विंग टू कौन कौन रही इज गोइंग टू रेन बस ठीक अच्छे बी बाहर इज बस गोइंग टू रेन बस ओके लुक एट द क्लाउड्स इट डैश इट इज गोइंग टू रेन ठीक अच्छे वर्षा हो पारे 15 नंबर सी जो राइट आंसर मैं वर्षा हवाक जा आकाश को देखो, इट इज गोइंग टू रेन वर्षा हवा को जाऊँ ओके वाटर डैश एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर 0 डिग्री सेल्सियस रे कौन है फ्रिज है तो ये कौन बस तो देखो यहाँ हूँ गोटे साइंटिफिक ट्रुथ साइंटिफिक ट्रुथ साइंटिफिक ट्रुथ रही है प्रेजेंट सिंपल बसे प्रेजेंट सिंपल यूज हुए तो ये कौन बस फ्रिजेस हम ठीक अच्छे व्वाटर हूँ गोटे अनकाउंटेबल नाउन तो सहित तो फ्रिजेस बस फ्रिज हेनी ओके व्वाटर फ्रिजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस देर आर ब्लाक क्लाउड्स इन द स्काय इट डैश रेन सून अच्छा यहाँ आउ गोटे कनसेप्ट क्वेश्चन रही देर आर ब्लाक क्लाउड्स इन द स्काय आकाशे कला मेघखंड अच्छी इट डैश रेन सून तो बहुत जल्दी कौन हम ना वर्षा हम ओके तो ये कौन बस देखो केन तो एबिलिटी कहार एबिलिटी को शो कै तो ये केन बस मोस्ट ये किसी बाउंड कथ कौन मेघ उठी तार नई पारे जब मेघ उड़ी पड़ेगा मेघ कहीं
ଆଗ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଆମେ ମଷ୍ଟ କହିପାରିବାନି। ୱିଲ୍ ବସିବନି ଏଠି, ମେ ହବ, ମେଟା ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥରେ ବସେ, ମାନେ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ। ଦେୟାର ଆର୍ ବ୍ଲାକ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ, ଆକାଶରେ କଳା ମେଘଖଣ୍ଡ ଅଛି। ଇଟ୍ ମେ ରେନ୍ ସୁନ୍, ତ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ହେଇବି ପାରେ ନ ହେଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥରେ ଆମେ ମେ ବସେଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମେ କେଉଁଠି ବସେ ନା ଯେଉଁଠି ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, ଏଇଭଳି ସେନ୍ସ ଆସେ। ଦ ଜୁରି ଡେସ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଇସ୍ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କନସେପ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ଭାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦ ଜୁରି କ'ଣ କଲେ ନା ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ୟୁକୁ, ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବେ ତ ଏଠି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭର୍ ବସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡିଭାଇଡ୍ କଥା ଆସିବ ମାନେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭର୍ ବସେଇବେ, ତ ଏଠି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭର୍ ୱାଜ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର କଟିଗଲା, ହେଜ୍ ଇଜ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ୱି ଆର୍ ତ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହିଛି, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ବସେଇଦେବା ଆଉ। ଦ ଜୁରି ୱେର୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଇସ୍ୟୁ, ଯଦି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ୱାଜ୍ ବସିଥାନ୍ତା, ଡିଭାଇଡ୍ ଅଛି, ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇଡ୍ ଆସିବ ମାନେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଭାର୍ ବସିବା କଥା ବସେଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର କ'ଣ ରହିଛି, ଚୁଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍, ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ରହିଛି, ଏହାର ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ କ'ଣ ହବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଦ ଟିଚର୍ ସେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକେମ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947। ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଇଣ୍ଡିଆ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ। ତ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ ରହେ ତାହେଲେ ତାର ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେ କିଛି ବି ଟେନ୍ସରେ ଚେଞ୍ଜ ହବନି, ଟେନ୍ସରେ ଚେଞ୍ଜ କିଛି ହବନି, ଓକେ, ଟେନ୍ସ ଯାହା ଅଛି ସେମିତି ବସେଇଦେବା। ଦ ଟିଚର୍ ସେଡ୍ ଏଠି ଇଏ କମା ଉଠିବ ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ବସିବା କଥା, ଏଠି ଦ୍ୟାଟ୍ ବସିନି, ଏଟା କାଟିଦେବା। ଦ ଟିଚର୍ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଥିରେ ଅଛି, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକେମ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947, ଇଣ୍ଡିଆ ବିକେମ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947, ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ। ଦ ଟିଚର୍ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ଦ ଟିଚର୍ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଜ୍ ବିନ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ଟା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ରହେ ତାହେଲେ ଟେନ୍ସରେ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବେନି, ଖାଲି କମା ଉଠିବ ମାନେ ଦାଟ ବସେଇକି ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସେମିତି ରଖିକି ପଳେଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ, ଦ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ରାଧା ୱାଜ୍ ରିଡିଂ ଦ ଲେଟର୍ ଇଜ୍, ରାଧା ୱାଜ୍ ରିଡିଂ ଦ ଲେଟର୍, ଏହାର ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ପଚାରିଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ରେ ରହିଛି, ପେସିଭ୍ ପଚାରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧା ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ, ଦ ଲେଟର୍ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ, ୱାଜ୍ ରିଡିଂ ହେଉଛି ଭର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି, ୱାଜ୍ ରିଡିଂଟା କେଉଁଥିରେ ଅଛି ନା ପାଷ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଅଛି, ପାଷ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ତ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ପେସିଭ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ୱାଜ୍ ଅର୍ ୱେୟାର୍ ସହିତ କ'ଣ ଆସିବ ନା ବିଙ୍ଗଟି ଆସିବ, ତାପରେ ଭାର୍ବର ଭିତ୍ରି ଆସିବ, ଥାର୍ଡ ଭର୍ବ। ତ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ଅବଜେକ୍ଟଟା ସବଜେକ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଭାର୍ବର ଟେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଓକେ। ତ ଦ ଲେଟର୍ ଆଗେ ଆସିବ, ଦ ଲେଟର୍ ଏଥିରେ ରହିଛି, ୱାଜ୍ କାଟିଦେବା, ଦ ଲେଟର୍ ଏଥିରେ ରହିଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲି ନା ୱାଜ୍ ୱେୟାର୍ ସହିତ ବିଙ୍ଗ ଭିତରି ଆସିବ, ଏଥିରେ ୱାଜ୍ ରହିଛି, ଏଥିରେ ୱାଜ୍, ହେଜ୍ ବିନ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କାହିଁକିନା ୱାଜ୍ ୱେୟାର୍ ଆସିବ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅନୁସାରେ, ଏଇଟା ହବ ନହେଲେ ଏଇଟା ହବ। ତାପରେ ବିଙ୍ଗ ଆସିବ, କହିଲି ବିଙ୍ଗ ଆସିବ, ବିଙ୍ଗ ଏଠି ଅଛି, ଏଥିରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା କାଟିଦେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଠି ରାଧାଟା ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ଅବଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଠି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 20 ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ହି ଇଟ୍ସ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଡେସ୍ ମିଟ୍, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିକଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଉଛି, ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି।